हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुश्री। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स में अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। पहले हम ये समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या होती है। हमने लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, एक दुकान है और छोटी दुकान है, या फिर एक दुकान है या फिर एक बिजनेस है, और उसको एक अकेला व्यक्ति संभाल रहा है। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति जब संभाल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अकेला स्वामी है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है और कुछ फ़ायदे भी रहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। क्या कि उसको कोई भी प्रॉफिट, कोई भी नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, वो सब अकेले ही फेस करना है। ठीक है, अगर कोई लॉस होगा तो अकेले फेस करना है। अगर इसका रिवॉर्ड मिलेगा, कोई प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी उसको अकेले को ही लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो रहेगा, अगर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, एक्सपांशन होगा बिजनेस का, बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, जो सोल प्रोप्राइटर है उसके काम भी बढ़ते जाएंगे, उसको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे, है ना। तो वो क्या होगा, उससे मैनेज नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो क्या करेगा कि किसी व्यक्ति को चुनेगा, कोई पार्टनर को चुनेगा, अपने बिजनेस के अंदर किसी पार्टनर को लेकर के आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप करेगा तब क्या क्या होगा, देखिए, वो जो नया पार्टनर होगा, जब वो बिजनेस में आ रहा है तो वो पैसे लेकर के आएगा, है ना, पूंजी लेकर के आएगा, कैपिटल लेकर के आएगा। उसके अलावा जो रहेगे पार्टनर्स, उन सब में काम भी बढ़ जाएगा, मतलब कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आराम से हो जाएगा। अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होने से वो जो अकेला पार्टनर जो रहेगा, उसको सारे काम एक साथ नहीं करने पड़ेंगे और वो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिए आपको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन सारी कारणों से, ताकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट अकेला चाह रहा है, वो अकेले ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्क भी अकेले ही लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है पार्टनरशिप में कि जो पार्टनर है, सारे पार्टनर्स में रिस्क और रिवॉर्ड सब में आपस में बराबर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये सब किसके थ्रू होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू होता है। ओके, इसका एक्ट याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। देखिए, यू हैव लर्नड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वो किसके लिए बनता है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए बनता है, यानी कि जो अकेला स्वामी की जो बिजनेस है उसके लिए बनता है। ठीक है, उसके बाद में एज द बिजनेस एक्सपांड्स, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, क्या होगा वहाँ पर कि उनको नीड होगी कैपिटल की, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस बड़ा करने के लिए, और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मैनेज करने के लिए बिजनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसके अलावा रिस्क भी शेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, पार्टनर्स की। इन सच अ सिचुएशन पीपल यूजुअली एडॉप्ट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इन सब कारणों से ही क्या करते हैं, लोग पार्टनरशिप का ज्वाइन करते हैं, पार्टनर को बुलाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ इट्स ओन पेक्युलरिटीज। पेक्युलरिटीज का मतलब होता है विशेषता। ठीक है, इसकी पार्टनरशिप की एक अपनी विशेषता होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप से इसकी अलग विशेषता होती है, और इसकी अकाउंटिंग भी थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। ठीक है, एज द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे ही पार्टनरशिप फर्म जो रहती है वो अस्तित्व में आती है, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, व्हेन टू और मोर पर्संस कम टुगेदर टू एस्टेब्लिश बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं और वो अपना बिजनेस स्थापित करते हैं और अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए राजी हो जाते हैं। ऑन मेनी इश्यूज अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स देयर मे नॉट बी एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। देखिए, बहुत सारे इश्यूज पे क्या होता है कि प्रॉफिट, जैसे बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनता है, सटीक एग्रीमेंट नहीं बनता है कि भैया हमको इतना प्रॉफिट चाहिए या आपको उतना प्रॉफिट देंगे वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, उन सब सिचुएशंस में क्या होता है, जब कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, उन सब सिचुएशंस में
प्रोविजन बना रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और वो ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। वो सारे कानून सारे नियम अप्लाई होते हैं उस केस में जहाँ पर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं बनाया होता है। सिमिलरली कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैव देयर ओन पेक्युलरिटीज। इन सब की भी अपनी अपनी अलग विशेषताएं, ये हम लोग बिल्कुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से आने वाले चैप्टर के आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसके लिए भी अलग से कैलकुलेशन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके लिए भी अलग से कैलकुलेशन होता है। और मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए भी अलग से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और इन सब की अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। नॉट ओनली दैट अ वेराइटी ऑफ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर और वेन अ न्यू पार्टनर्स एडमिटेड एंड सो ऑन। तो देखिए बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं चाहिए इन सब के लिए, डेथ ऑफ पार्टनर और पार्टनर जब एडमिट होता वगैरह वगैरह, लेकिन दिस पेक्यूलर सिचुएशंस नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। लेकिन ये जो विशेष सिचुएशंस है इन सब के लिए भी एक अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ठीक है, बिजनेस को, ताकि बिजनेस में पता चल सके, खातों में पता चल सके कि किसके पास कितना पोर्शन गया है प्रॉफिट का। वरना क्या होगा, सारे पार्टनर्स के बीच में कंफ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए और सारी पार्टनरशिप बिखर जाएगी। इसीलिए इन सब से चीज़ों से बचने के लिए ये एक्ट बनाया हुआ है। द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कसेस सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो चैप्टर है, इसके चार चैप्टर है, आपको ये जो चैप्टर है इसमें ये समझ में आएगा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पार्टनर्स के बीच में। जब भी पी एंड एल अकाउंट बनता है उसके बाद में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं पार्टनर्स के, हर एक पार्टनर का अलग कैपिटल अकाउंट मैनेज होता है, मेंटेन होता है, तो उसको भी हम समझेंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे क्या एडमिशन होता है नए पार्टनर का जब नया पार्टनर आता है, या फिर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, रिटायर हो जाता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी उसको जाना, उसको ख़त्म हो जाता है उसका पार्टनरशिप, या फिर डिसोल्यूशन हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म ही ख़त्म हो जाती है ना। तो ये सब हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं तक था, ओके। हम लोग आने वाले अगले लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।